हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस मोहम्मद अवीर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टार्ट ऑफ अ न्यू वीक, वीक को स्टार्ट करने से पहले ऑब्वियसली सबसे पहली वीडियो जो यहाँ पे मैं आपको बना के बताना चाहूँगा और आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा वो है कि जो इंपॉर्टेंट बोर्ड मीटिंग्स हैं इस वीक मार्केट के अंदर हमारे पास जो आने वाली हैं उन पर बेसिकली हम नज़र डालेंगे। तो सबसे पहले तो अगर आपने फेसबुक में मुझे फॉलो नहीं किया हुआ फेसबुक फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम पर मेरा अकाउंट नहीं है ड्यू टू सम रीज़न, आप लोग से बहुत सारे लोगों को याद होगा मेरा ऑफिशियल चैनल हैक हो गया था, जैसे मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट हैक है और बाकी सारी चीज़ें भी एक्सेस नहीं हो पा रही। तो अभी मैं फिलहाल फेसबुक पे अवेलेबल हूँ, अगर आपको कोई क्वेरी हो क्वेश्चन हो आप फेसबुक पे मुझे रीच आउट कर सकते हैं। मैं फेसबुक पे जो इंपॉर्टेंट बोर्ड मीटिंग्स हैं उनकी डिटेल्स यहाँ पे डाल देता हूँ। आप लोग जो है इस वीक याद रखना चाहेंगे कौन कौन सी अपकमिंग बोर्ड मीटिंग आ रही है तो इस पिक्चर को सेव करके अपने पास गैलरी में बाद में देख सकते हैं। मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे जितने दिनों की मैंने यहाँ पे बोर्ड मीटिंग डाली है वो उनकी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, फेसबुक पेज पर भी ये पोस्ट अवेलेबल होता है। इस सब को बनाने का डिस्कस करने का मेन मकसद आप लोगों के साथ ये है, अगेन हर 3 महीने बाद जो है वो हमारे पास फाइनेंशियल जो रिजल्ट सीजन है वो आना शुरू हो जाता है। तो रिजल्ट सीजन पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज हम ये देखते हैं कि कंपनीज जो हैं वो अपने क्वार्टरली बेसिस पे जब रिजल्ट्स पब्लिश करना शुरू करती हैं तो क्या वो रिजल्ट्स अच्छे हैं या बुरे रिजल्ट्स हैं, क्या रिजल्ट्स हैं, उससे उनके स्टॉक प्राइस पे जो है वो इम्पैक्ट आता है। वो अगर अच्छा रिजल्ट होगा तो पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, नेगेटिव इम्पैक्ट होगा तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा। तो दैट बिंग साइड आप देख सकते हैं हमारे पास मंडे वाले दिन एग्रीटेक लिमिटेड अदर मैटर्स जो हमारे पास केमिकल सेक्टर का स्टॉक है और काफ़ी जो है वो मार्केट के अगेंस्ट या मार्केट के साथ कभी जो है वो रैली बना था वह हमें नज़र आता है। भी आप देख सकते हैं कि मार्केट अभी रिसेंटली पॉजिटिव है तो AGL के अंदर हमारे पास नेगेटिव मोमेंटम है। एंड इसके अलावा अगर हम देखें तो मार्केट के अगेंस्ट जो है वो AGL हमें फॉर्म करता हुआ कभी कभी नज़र आता है, तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टॉक है। दैट बिंग साइड नेशनल रिफाइनरी अगेन अभी हमारे पास फाइनेंशियल रिजल्ट इनके नहीं है लेकिन किसी ना किसी रीज़न के तहत जो है वो बोर्ड मीटिंग्स रखी जाती हैं और उनको डिस्कस करने का जो है वो बेसिकली कोई ना कोई रीज़न होता है। जैसे आप देख सकते हैं मैटर अदर देन फाइनेंशियल रिजल्ट 12:30 बजे जो है वो इनकी बोर्ड मीटिंग हमारे पास अवेलेबल है। तो लेट्स सी कि आज के दिन इन बड़ी बड़ी कंपनीज की क्या हमारे पास अनाउंसमेंट निकल कर आती हैं, पॉजिटिव अनाउंसमेंट हो नेगेटिव अनाउंसमेंट हो उसका काफ़ी इम्पैक्ट होगा। देन वी हैव अटक पेट्रोलियम, अगेन रिफाइनरी से रिलेटेड अगर हम बात करें, मार्केटिंग से रिलेटेड बात कर लें। विराट सीमेंट सेक्टर की कंपनीज का हमारे पास अदर मैटर्स का रिजल्ट है, देखते हैं क्या डेवलपमेंट होती है। देन वी हैव अटक रिफाइनरी, अटक सीमेंट की अगर हम बात कर लें। देन ऑन ट्यूजडे अगेन बड़ी बड़ी कंपनीज के कुछ ना कुछ मीटिंग्स हैं, अब वो फाइनेंशियल रिजल्ट्स आएंगे, अब आना स्टार्ट होंगे बिकॉज अप्रैल मई जून का जो क्वार्टर क्लोज हुआ है तो बहुत सारी कंपनी जुलाई में देना शुरू करेंगी, तो अब बोर्ड मीटिंग के हमारे पास अपडेट्स आना शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए इन वीडियोज़ को बनाने का, आप लोग को रिमाइंड कराने का जो है वो रीज़न यही होता है कि इन वीडियोस बना के आप लोग को अपडेट दी जा सके कि आप लोग इन चीज़ों पे नज़र रखें। दैट बीइंग सेड इंटरलूप है हमारे पास, देन वी हैव हिनो पार्क मोटर्स, पाकिस्तान केबल्स अगेन एक बड़ा नाम है। चकवाल स्पिनिंग ने रिसेंटली अपनी प्रोफाइल चेंज करी तो उसकी वजह से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हम रैली देख सकते हैं। एनुअल रिजल्ट है चकवाल सीमेंट का और हिनो पार्क सीमेंट का, हम एनुअल रिजल्ट भी देख सकते हैं। देन ऑन वेडनेसडे अगेन फिर हमारे पास बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम है जिसमें हमारे पास इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ है, इंडस मोटर्स है, अदर मैटर्स की जो है वो डिस्कशन है। देन वी हैव TPL प्रॉपर्टी से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा TPL जो है वो उसकी काफ़ी ज़्यादा पिटाई हुई हुई है लेकिन अगेन रियल स्टेट के मामला बेहतर होंगे तो फिर स्टॉक मार्केट में TPLP के भी हालात बेहतर हो सकते हैं। दैट बीइंग सेड वी हैव पाकिस्तान ऑयल फील्ड टू नेम द लास्ट कंपनी एज ऑन वेडनेसडे। तो मंडे से वेडनेसडे तक की कंपनीज के हमारे पास जो है वो इन्फॉर्मेशन है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि ये सोर्स कहाँ से लेता हूँ, देन वी हैव दिस एप्लीकेशन वेबसाइट by the name of KSE Stocks। आप Google पे आएँ, Google पे आने के बाद all you need to do is type KSE Stocks और KSE Stocks को टाइप करने के बाद इस वेबसाइट से ये सारी तमाम डिटेल जो है वो ली जाती हैं, जैसे कि आप बेसिकली देख सकते हैं। और KSE Stocks के अंदर जो है वो हमारे पास ऑप्शन होता है, लेट मी शो यू। यहाँ पे हमारे पास TSX डेटा बोर्ड मीटिंग पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अपकमिंग कौन कौन सी कंपनीज हैं जिनकी बोर्ड मीटिंग हमारे पास आने वाली। तो आप लोग खुद भी जाके इन वेबसाइट्स को एक्सेस करके खुद भी इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। बट याद रखें अगेन कंपनीज़ की जो भी अनाउंसमेंट्स आती हैं चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो उनको समझना रीड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद उनके इम्पैक्ट को समझना और उसके बाद अपने उन कंपनीज़ के अंदर फाइनेंशियल डिसीजन लेना है कि क्या आपने उन कंपनी में इन्वेस्टमेंट्स रखनी है नहीं रखनी, वो फिर आपका हर इन्वेस्टर का अपना एक पर्सनल डिसीजन होना चाहिए। दैट बीइंग सेड दिस वॉज द डिस्कशन वीडियो, मिलते हैं चलो अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने रेगुलर एनालिसिस के साथ। डू लाइक एंड शेयर विद योर फेलो इन्वेस्टर्स और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो मुझे फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे आप रीच आउट कर सकते हैं फॉर कंसल्टेशन पर्पस एंड फॉर डिस्कशन पर्पस एज वेल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मोहम्मद अबीर साइनिंग ऑफ, टेक केयर, हाफिज़।